राज्यपाल एक विधेयक पर साल भर से कुंडली मारकर बैठे हैं। ये मुद्दा झारखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। राज्य में आदिवासी मूलवासी को बचाने के लिए राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। दोबारा से अब ये विधेयक जाएगा तो राज्यपाल की मजबूरी होगी कि उसे पास कर केंद्र को भेजें। झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के हित के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। खतियान हमारी पहचान है, जो झारखंड के लोग हैं उन्हें झारखंड के लोग पहचानते हैं। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। सबने देखा कि पिछले वर्ष 2022 में हमारा राज्य विधानसभा ने दो महत्वपूर्ण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करके राज्यपाल जी के अनुमोदन के लिए भेजा था। उसके पश्चात वो दो, एक तो स्थानीयता का मुद्दा, दूसरा सरना धर्मकोट की बात। पहले तो माननीय राज्यपाल ने स्थानीय नियोजन को ऐसे ही लौटा दिया, फिर जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये सही बातें नहीं है, सही परंपरा नहीं है और संवैधानिक तौर पे उचित भी नहीं है, आप अपना सलाह इसमें जरूर दर्ज करें। उसके बाद उन्होंने इस विधानसभा में जो चालू सत्र है उसमें उन्होंने अपने कुछ सलाह सुझाव संवैधानिक प्रावधान को दर्शाते हुए भेजा। हमको लगता है कि इस सलाह और संदेश में एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक एक संदेश भी है, क्योंकि जो बातें कही गई है, जो संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख किया गया, वो जहां तक जायज है उतना ही जायज ये भी है कि कई राज्यों ने यह नीति बनाई है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो जिला स्तरीय पद है उन पे उन्हीं की नियुक्ति सुनिश्चित हो। माननीय राज्यपाल जी ने उसमें एक पेच फंसाया है कि 5 साल के लिए आप प्राथमिकता का प्रावधान करें और फिर उसकी समीक्षा करें। ये हमको लगता है कि एक नया सी गुफा है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का एक सी गुफा। हम लोगों ने बहुत साफ तौर पे इस राज्य की लड़ाई को जब हम लोग लड़ रहे थे तो झारखंडियत जो पहचान है उसकी बात करते थे, जो अधिकार की बात करते थे। वहीं कोल्हान के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोल्हान में सर्वे पहुंचते 1965 का समय हो गया था, लेकिन खतियान उनके पास मौजूद है। जिनके पास खतियान नहीं है उन्हें झारखंड के लोग पहचानते हैं। ग्राम सभा के जरिए वैसे लोगों की पहचान करने का काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।